क्या मिल जाएगी? Thank you.
Thank you.
Thank you.
पूरे तो हो गए ड्रोन कहाँ मनो Thank you.
आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता अमरलाल भटूरिया ग्राम पंचायत भुरेंडा धीरी आज सरपंच महोदय के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में अध्यक्ष सोमवर भैया ग्राम गुरजी बाड़ा उपाध्यक्ष फागू धुड़िया गुरजी बाड़ा सचिव चरण धुड़िया गुरजी बाड़ा सह सचिव कहर हर्ष चौरसिया गुरजी बाड़ा कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष मैं आप लोगों को पहले भी बोल दिए हुए होंगे यहाँ पर मंच है और मैं आप लोगों को भाषण देना है जो भी बात करना है बैठा बोलूं भाषण में करना है ये हमने उद्देश्य बनाया है। इसका उद्देश्य है बालाघाट जिले में निवास पिछड़ी जनजाति के संस्कृति प्रचार प्रसार एवं जागरूकता बैगाव की परंपरा प्रथा संस्कृति सबसे पहले तो स्वागत करना पड़ता है तो मैं स्वागत भी रहे हमारे जो मुख्य अतिथि हैं मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा। श्रीमती बेलरानी अमरलाल भटूरिया आप मंचासीन हो रहे हैं उनके स्वागत के लिए श्रीमती गीता झुमरिया और संगीता मैडम आप भी आए और मैं समझ आऊंगा कि थोड़ा सा सबको बांध दो सामने पहले हमारे वीडियो प्रभारी को भी बांधो सबको उन्हीं बांधो ना यार चलो बैठ लेट हो जाएंगे सब लोग
अरे नहीं नहीं टंगाना नहीं है, बांध बंधे रहो वो दिखेगा ना। वाले लोगों को पहले पहले बांध और वो सब कुछ बांध ये ना दे पकड़ कर। अच्छा दिखना चाहिए बेटा तो आया अब समय बहुत कम है क्योंकि बाहर से जो मुख्य अतिथि लोग आ रहे हैं सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय संजय वीके विधानसभा क्षेत्र विशेष अतिथि माननीय श्री भगत सिंह नेता जी पूर्व विधायक भैया जनपद पंचायत भैया मनसरा बड़ाई जनपद सदस्य बालाघाट महेश मका भैया समयलाल झुमरिया भैया विक्रम अध्यक्ष भैया पूर्व भैया सुखदेव भैया उप सरपंच महेंद्रा भैया करता हूं। और जो हमारे राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत उसके लिए अभी कुछ ही क्षण बाद पहुंचने वाले हैं वो हारून नाम चुके हैं जिसका नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे मेरे समिति के जो सदस्य हैं जो बाहर से हमारे सम्मान चालू है जब मैं बोलूंगा आप और हाथ को सामने रखें सामने खड़े हो प्लीज भैया भाभी बेटा बेटी दादी सब बच्चा बच्चा ठाकरे का मछली को चक्कर में आवे मछली ने दिखे देखो भैया समाज के सब लोग हम लोग आज मूर्ति स्थापना ग्राम घोषपाड़ा अध्यक्षता मेगा के द्वारा करें और आज हम शपथ दे रहे हैं। मैं जैसा बोलूंगा आप लोगों को वैसे बोलना है। हम समाज नाना पैगा नाना पैगी सामाजिक सेवा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आम जन सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं हमारे बैगा समाज को एक बनाने के लिए समाज के प्रति ईमानदारी से काम करते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे रखेंगे। Thank you.
गया। जय जवाहर। खवाए सब चीज खवाए पानी पियाए तो हेड पटे करे तो आज मैं साहब ले यहाँ घोसी पहाड़ा मान दे तय गला आ गए हमर दाए हमर मैतारी हम खाई तीन जुआर सिखोए पढ़े सब चीज करे आज हेडुक जबड़ हो गया लिखे ले नहीं जानो तो मारा सोमो का तो हम स्कूल ले जावन तो लुकन या छोड़े लुकन या पार ले घोसी पहाड़ा वाले भगे वो पार ले मैं डोंगर ले पकड़ना तो बांधा में लुक जाओ इसने करते करते आज मैं जबड़ फुराए गया लिख डाया पढ़ डाया मोर भर बिहाव कर दे तो मैं जरा जरा समाज करनाने काम करता हूँ कहाँ हुई मतो आश्रम तो हम काम करें तो हमारे बीच में आए सम्मानी मैडम जी को स्वागत कर दीजिए दोनों मैडम को और सम्मान के साथ में पगड़ी बांध कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री से सम्मानित श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे जी भैया जनपद की जनपद अध्यक्ष मैडम श्री श्रीमती भगवंती सयाम मैडम और इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकगण और यहाँ उपस्थित हमारे बैगा और गोंड जनजाति के आदिवासी भाइयों और बहनों आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित करके ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस कार्यक्रम में एक हिस्सा बनाया और इस तरीके का बैगा नृत्यों का जो आयोजन है ये तो मैंने पहली बार ही देखा। बैगा डांस तो हम देखते रहते हैं बट इतने भव्यता के साथ जो किया जा रहा है कार्यक्रम ये अपने आप में एक बड़े ही आनंद का विषय है। बैगा जनजातियों के संबंध में मैं यहाँ पहियर क्षेत्र में पिछले एक साल से पदस्थ हूँ तो जो मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहा है कि बहुत ही सीधे सज्जन और अपने आप में ही जुड़े हुए लोग जो नेचर के साथ जुड़े रहते हैं वनों के साथ जुड़े रहते हैं इस तरीके की जीवन शैली के साथ बड़े ही साधारण रूप से अपना जीवन यापन करते हैं तो इसके कई सारे फायदे हैं बट इससे कुछ चीज़ें कमियां भी रह जाती हैं जैसे कि स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है मूलभूत सुविधाएं हो गई पीने का पानी हो गया शिक्षा की सुविधाएं हो गई और शासन की जो मूलभूत योजनाएं हैं उसमें भी कभी कभी लाभ हमें उचित रूप से मिल नहीं पाता है। इस चीज़ को लेकर के जो ये नागा बैगा का समाज का संगठन है इनको भी हमने कई बार कहा है कि आपको अपने संगठनात्मक शक्ति को थोड़ा और मजबूत इस प्रकार करना होगा कि आपके जो बैगा समाज है वो बहुत ही सीधे प्रवृत्ति का समाज है इसमें हमें प्रशासन को आगे बढ़ के चीज़ें करने की आवश्यकता है तो इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान अगर नियमित रूप से होता रहे कहाँ पर क्या कमियाँ हैं कहाँ प्रशासन पीछे छूट रहा है कहाँ जो है आपकी जो बेसिक योजनाएं हैं उनका भी लाभ जिसके लिए पात्रता रखते हैं हमारे भाई बहनों बैगा समाज के परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है तो इस तरीके की सूचनाओं का आदान प्रदान अगर होता रहेगा तो प्रशासन भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ के और पहल करेगा जिससे कि हमारे जो जीवन यापन का स्तर है उसमें सुधार और प्रगति आए तो इस प्रकार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं सभी जो यहाँ के आयोजक हैं और उपस्थित हमारे बैगा समाज के भाइयों और बहनों हैं आपसे मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि जैसे भी आपकी योजनाएं हैं उसके बारे में भी आपको जो है जानकारी जो आपकी खुद की बैगा की भाषा है उसके जरिए आपको जन जन तक पहुंचाना का कार्य करना है और अधिक से अधिक लोगों को जो शासन की लाभान्वित करने वाली योजना है उसका लाभ मिले इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और यहाँ उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला इसके लिए मेरा हर्ष का विषय है। मैं पुनः सभी का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। जो बैगा समाज की संस्कृति परंपरा रीति रिवाज विलुप्त होते जा रहा है उस पर आप एक फोकस किए हैं तो हम सर आपके मार्गदर्शन भी चाह रहे हैं कि हमारे लिए अगर बैहर परियोजना कार्यालय के सामने
नागा बैगर नागा बैगिन मूर्ति अनावरण के लिए हमको ज्यादा नहीं सर थोड़ी सी जगह की आवश्यकता थी, तो मैं पूरे बालाघाट जिले के बैगाव के लिए एक संदेश देना चाहूंगा कि हम धीरे धीरे शिक्षा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा खान पीन वेशभूषा वहाँ पर छलकते रहते सर। हमारा जो ट्रैवल क्षेत्र है सर बालाघाट जिला बैहर बिरसा और परसवाड़ा के नाम से जाना जाता है सर, तो यदि हो जाए तो बहुत अच्छी है सर। इसी के साथ एक बार मैं समस्त पूरे बैगा समाज से निवेदन करना चाहूंगा और मैं मेरे बाप के पास में जा रहा हूं, देखो किसी का रिश्ता नहीं होगा, बैगा जहां जहां अगर शुद्ध बैगा जाता है तहां तहां होकर परिवार रहता है, तो मेरा बाप जो आज राष्ट्रीय लेवल पर जो राष्ट्रपति से सम्मानित, एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजाएं, श्री पदम श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे ग्राम धुरकुटा जिला डिंडोरी आप हैं सर। मैं आपके स्वागत के लिए मैं पूरे मेरे पैगा समाज से निवेदन करूंगा कि सब उससे भेंट करें, संधि भेंट करें, एक दूसरे से मिले कि हमारे पैगा समाज जो आज आपके बीच में ला दिया मैंने, आप सोचे भी नहीं होंगे कि हमारे अर्जुन सिंह ध्रुवे इसका लड़का होगा, मैंने उसका कला को चोरा हूं, चोर करके चोरी पहले जब करता है वो जब चतुराई सीखता है उसके बाद वो वहां तक पहुंचता है, तो मैं उसका लड़का हूं जो आज उसको मेरे बाप को बुला लिया, तो सम्मान के लिए अभी सबके सामने हम फेटा इसको लाल फेटा बांध देते हैं और फिर हमारा जो पदम श्री है अभी सब लोग खड़े हो जाते तो कितना अच्छा रहता, मतलब सभी बैगा समाज से मैं निवेदन करूंगा क्योंकि ये हो सकता है जिन्होंने पद्म भूषण से नवाजा गया है, जो हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे समाज में उस स्तर तक। इधर साइड वाले सभी लोग से निवेदन करूंगा खड़े हो जाए, तालियां बजाएं, तालियां बजाएं, स्वागत करें, तालियां बजाएं, क्योंकि अभी जो टीम है हमारे बाप का हमारे देश का नाम रोशन किया है इन्होंने, वो टीम आपके सामने आ चुकी है, आप देखिए अभी किस टाइप से, और अपन को चोरना है उनसे, सीखना है जो बालाघाट जिले में डिंडोरी जिला आगे क्यों है, आप देखिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार प्लीज, जोरदार जोरदार जोरदार, और जितने हमारे बैगा समाज के बुजुर्ग लोग हैं कंधे से कंधा मिलाएं, जो राष्ट्रपति लेवल पर में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति आज आप लोगों के बीच में छोटा सा गांव में, सब लोग कहते हैं साधु टाइम से टाइम उठा मेरे टाइम बना सकते हैं, अब देखिए कि वाकई में हमारा जो कल्चर है, हमारा संस्कृति है, हमारा रीति रिवाज है, हमारा परंपरा है, इसको कैसे वेशभूषा को बचाए रखने के लिए मैं तालियों के साथ में आप गड़गड़ाते रहिए, आप देखते रहिए, बिल्कुल मैडम सरपंच है यहाँ, हाँ सरपंच मेरे पंचायत से, ये हमारे कुर्सीबहरा ग्राम या इस धरती पर डिंडोरी जिला दुर्गुटा से है, इनके सम्मान के लिए हमारे बालाघाट से टीम गई थी जिन्होंने कभी निराश नहीं किया, यहाँ हमेशा बालाघाट के लिए हमारे ताली बजाते रहिए। हमारे सदस्य हमारे संगठन के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, और आज यहाँ हमारे बीच में जितने भी बैगा समाज या हमारे जो भी दर्शकगण यहाँ पर आए हुए हैं, आज नागा बैगा मूर्ति हमारे जो भगवान है जिनके डिंडोरी जिला गांव धुरपुर का के नाथ पाटिया और सिंगर गए हो जल्दी आ जा, अब बड़े साहब भगे यह है कि जल्दी आके जो है भेंट कर ले, जल्दी आओ जल्दी, जोरदार तालियां डिंडोरी, जब भी बैगा ओलंपिक होता है तो डिंडोरी, जब भी बैगा ओलंपिक होता है तो डिंडोरी, दूसरा में बालाघाट तीसरा में मंडला, तो हम ही लोग हैं डिंडोरी, हम ही लोग हैं मंडला, हम ही लोग हैं बालाघाट, अरे तो शुद्ध बैगा है तो अपन कम से कम जाते भी तो जानो है, कलिग दा दूर हो मेरा ये मर काम।
आप यहाँ पर आए हैं, आप सभी का गाड़ा गाड़ा भी जितने भी गांव से हैं, आसपास के जितने भी गांव से हैं, उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज हमारा समाज देखो बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहा है, भाग ले रहा है, और हमारे समाज के लिए जो जरूरत है ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हमारे वन वन विभाग के हो चुका है। आज इस संस्कृति को आप अपने नजर से देख रहे हैं तो बड़ा दुख महसूस होगा। हमने कुछ दिन ऐसे ही रहते तो इसी कल्चर में इसी रोजी रोटी रेसा पैसा लकड़ी बेचना धान में ले जाना डोगर घर का टंगिया जाना चिटरा मारना भूसा मारना है आदि मानो वही बैगा मानो है। आज कथा मैडम की काइल करते साधु कहाँ कहाँ काइल मंडाते है तो मैं उन्हीं मन तो बुला हूँ कि ते बैगा कर पूरो सत्य रचना कर ले में फिर हम बैगन ले गुठे को जोड़ा जन किया। हम बैगा के क्या है हमर नाम से दोनों भाई बहन के नाम से पीएचडी करते हैं लोग दिल्ली महाराज करते हैं हम करेंट धर कर ही छो भारत रथ है ना। तो इन सारे चीजों को हमारे बीच में पहुंचने वाली है तो हम पूरे एक साथ पूरे बैगा समाज पूरे मध्य प्रदेश शहर का पूरा न्योता दिया था निमंत्रण दिया था जाएंगे जी है पेट कर नहीं है पेट के झुलपे देखते हैं सुबह लकड़ी के लिए जाते हैं शाम को लाते हैं फिर भी आज सुबह लाते हैं तो बना के खाते हैं जी। तो हम हमारे पास में गिरा नहीं रहता तो हम कहाँ कलेक्टर और कहाँ एलटीएम और कहाँ किसी के पास नहीं जा सकते। ये हमारी जाति का पहचान है। आज गोचिपारे को देख रहे हो कैसे खिले हुए हैं किसी का देन है किसी का मार्गदर्शन है। आप लोग किसी जनगणना करने जाओगे तो घर से नहीं निकलते डर जाते हैं हमारे घर में कोई नहीं भक्त टाइम कहा आज बोलते हैं। तो इसलिए मैंने उनको धीरे धीरे करके एक एक कदम अपने दरवाजे की जो चौखट होती है बैगा समाज की उनके टूटे फूटे जो दरवाजे इतने मैं पदम सीरी सब लोग बोल रहे थे मेरे को बेटा कहकर बुलाते हैं मैं चले जाता हूँ क्योंकि मुझे सम्मान मिलता है मैं किसी चीज से नहीं जुड़ा हूँ। तो क्या होता है कल्चर के बारे से रीति रिवाज अब मैं बता दूं मैं डबल एमए को नहीं हूँ लेकिन डबल एमए क्योंकि बैगा समाज का एक एमए किया है डबल एमए किया है इसके लिए पीएचडी कर लिया हूँ तब मैं मेरे पास पूरे पीएचडी वाले आते हैं मैं उनका प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ। अरे क्या बताएंगे दूसरे लोग तो बैगा भाषा जानते नहीं तो काय का बैगा है बोल देता हूँ मैं ऐसा करके बोल देता हूँ क्योंकि मैं बचपन से बैगा और बैर में हमारे कल्याण सर के माध्यम से गया मेला गुस्सा खाया रोया डांटे डटे सब चीज किए मैंने कभी गुस्से नहीं माना डर के मारे में बात नहीं करता कभी ऐसा महसूस होता है तो मैं उनका आज भी यादगार हूँ। मैं हर चीज में एक्टिव हूँ खेल कूद दमन धूप सारी चीज मैंने जिंदगी में कोई पैगा 11 बार प्रिंसिपल नहीं गया होगा लेकिन
साधुराम बैगा क्या है भारत देश की निष्पक्ष क्या है। और फिर मैंने ग्राउंड तैयार कर लिया और सब चीज उसी प्रकार से सबको चोरी करके सीखना है कि कैसा कला है हमारे में। तो सर देने के लिए तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अगर पूछना है तो चार समाज के बीच में पूछिए, मैं बिल्कुल आपको पूरा सारी चीज विधि विधिवत। इसी के साथ में हमारे सम्मानीय हमारे जो हमारे बीच संगठन के एक बार जोरदार तालियां बजाएं जो हां, साथ ही हमारे प्रवक्ता वो भी पहुंच चुके हैं जो बैगाओं के बारे में देखी जाते हैं सचिव सचिव है वो है पहल बनिया धाम सिंह गुडलिया और जो सहायक सचिव है शंकरलाल बढ़िया जी जो बालाघाट जिला जो दिन की टीम बालाघाट संगठन का दिल्ली तक जाता है उसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं एक बार जोरदार तालियां। दर्शकों से निवेदन करूंगा अगर नृत्य बहुत सुंदर लग रहा है तो तालियां जरूर बजाएं। सबसे पहले भागवती रठुड़िया सब समर्थन बोलो नागा बैगी नागा बैगा की जय। करमा
नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इसमें हमारे, मैं सबको एक मिनट परिचय करने चाहता हूँ, हमारे जो मांदर वादक है श्री लाल सिंह मरकाम, हाथ उठा देता हूँ, हाँ, श्री घासीराम देवड़िया मांदर वादक, शिव कुमार ततड़िया टिमकी वादक, और हमारे बांसुरी वादक जो है मोहन लाल देवड़िया, और नचेटू रहे मार लाल सिंह देवड़िया, जगत राम तुसरे, हाथ उठा देता हूँ, हाँ, सुग्रीव देवड़िया, भागवती रतुड़िया, सूरजवती, आगे बढ़ती गिरता
की जो कलाकार टीम है उनसे मैं निवेदन चाहूंगा कि जो है हमारे नजदीक छत्तीसगढ़ से कुछ हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, हम आगे क्यों डाटालिया हमारे कवर्धा जिले से आए हुए हमारे सुलखिया जी का तुलसी राम जी का हेलो हेलो, तो गेंदलाल भैया जहाँ कहीं भी हो मंच पे आने के कृपा करें, स्वागत तुलसीराम जी जो पहुंच चुके हैं हमारे बीच, और
आप इसके साथ ही हमारे जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक साथ मिलकर जो कार्य योजना तैयार करेंगे, ये हमारे समाज का एक मुख्य धारा को ये पैगा समाज का रीति रिवाज परंपरा खान पान वेशभूषा इस प्रकार से और ये नृत्य नांगा पैगा नांगा पैगी जो कोई भी धरती माता को पहले जब सुबरता है तो सबसे पहले नांगा पैगी अठंडी नौ कंपनी सौ लाख वनस्पति इस प्रकार से सुबह जाता है काम करना बैगा समाज आज ग्राम घोषी पैगा आप सबसे पहले यहाँ की जनता को समझो इनकी ताकत समझो इनकी एकता समझो। मैं यहाँ से सभी लोगों को एक पैगा समाज को संदेश देना चाह रहा हूँ कि छोटी सी गांव है इसमें कितना एकता है कितना साल में एक दूसरे के माध्यम से काम करते हैं जो हमारे समय के माध्यम से दसरा चंदा देखकर बैठा ग्रीफ हो जाता दिन आई है तुलसीराम सुरक्षा जी की आप इस छत्तीसगढ़ की टीम भी आप लोगों के सामने उसी क्षणों में प्रस्तुत होने जाएगा आप आनंद लेते रहिए। संगठन टीम है जाकर के पगड़ी लाल जो पगड़ी है उसे सम्मानित करें उसी को अपन देश मान लें क्योंकि वही हमारा देश है। तो आप जो हमारे समिति की टीम है हुए हैं और ये हम लोग हर जगह समिति के माध्यम से मूर्ति अनावरण कार्यक्रम करवाते हैं चर्चा भी हो जाती है सांस्कृतिक के साथ साथ और बैगा लोग अपने रीति रिवाज परंपरा जाति समाज को बचाए रखने के लिए हमने यह कदम उठाया है और धीरे धीरे हम लोग सभी के बीच में सम्मान के साथ में हमने इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग एक हमारा परंपरा है सबको सम्मान देना हमारा बैगा समाज राष्ट्रीय घटक पुत्र जो है वो सबका सम्मान करता है इसलिए हम लोग सबका सम्मान कर रहे हैं किसी को दुख नहीं लगना चाहिए। और जस्ट इसके बाद जो हीरापुर टीम है वो भी तैयार है हीरापुर गांव वहीं से पधारे हुए हमारे कुछ कलाकार कुछ ही जो है क्षण यहां पर पहुंच रहे हैं और इसी क्षण में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे मध्य प्रदेश से नज़दीक छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए मैं अपने संगठन के कुछ पदाधिकारियों से मैं निवेदन चाहूँगा कि उनके हीरापुर टीम आपने हमारे इस मध्य प्रदेश में अपने बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए इसलिए हमारा ये संगठन आपका और देश में ही सविलियन था। ये 2000 में जो है हमारे मध्य प्रदेश से ये छत्तीसगढ़ अलग हेलो इन अनोखी कलाकारों के लिए जो मैं
सभी सगाजनों से मैं निवेदन चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर जो है इनका स्वागत करें, मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि ताली ही एक ऐसी चीज है जो निशुल्क होते हुए भी हर लोगों का मनोबल बढ़ाता है। इसलिए आप ताली बजाने में कमी ना करें, जोरदार ताली बजाएं। और इसके साथ जो है मैं अपने ग्राम कलाकारों से मैं निवेदन चाहूंगा कि उनको मंच दे दें और आप थोड़ी सी उस गांव में टोटल काली मिट्टी है जहां पर मसूर, चना, मटर, गेहूं आदि अधिक मात्रा में उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन हमारा बैगा समाज का एक नियम है, सबसे पहले जब तक गड़ी आएंगे नहीं लकड़ी रख के, तब तक ये हीरापुर के कोई व्यक्ति अपने आप में सक्षम भी है फिर भी सोचता है कि नहीं यार लकड़ी रख के चले जाऊं तो शाम के लिए जरूर खाने के लिए हो जाएगा। लेकिन हमारा पेशा है, हमारे परंपरा रीति रिवाज के आधार पर बना के चले गए हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ का लकड़ी। नाम तो नहीं लूंगा, वीके जी विधायक विधानसभा क्षेत्र 108 हमें को बचाना है, ये बैगा समाज को बचाना है। राष्ट्रीय माला राष्ट्रीय चिन्ह के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय मानव के नाम से, राष्ट्रीय पुत्र के नाम से जाना जाता है। हमने सर कदम उठाया है कि आप लोगों के मार्गदर्शन में और हम लोग अच्छा से अच्छा संगठन के माध्यम से काम कर सकेंगे, वो भी निस्वार्थ, क्योंकि बैगा समाज को धीरे धीरे करके हमको जागृत करना है। अभी बहुत से बच्चे स्कूल जाने में कतराते हैं क्योंकि उनका एक पैसा है, अगर नहीं जाते हैं तो वो अगर दो दिन नहीं गए तो फिर ऐसे ऐसे करके उनके सोन साहब आएगा जी भी पधार चुके हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उसकी स्वागत आभार करता हूं। जिसने इस समाज के धरोहर को तालियां बजाएं, तालियां। ये होता है बैगा समाज के जो आपने हमारे क्षेत्र में आकर के शानदार प्रस्तुति देकर आए हैं। और इसी बीच में जो है हमारे खटिया मोर्चा से इस बैगा समाज के हेलो सभी उपस्थित सगाजनों से मेरे निवेदन है कि इनका भी जो है शानदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। धरोहर है सोन साहब रहेगा जी, जो इस बैगा समाज के अतीत को निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जो है ले जाने में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, देखिए एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। जो आपको बैगाओं के बीच में रहना है,
जाए, समाज के बीच में रह जाए, तो जाति पड़ताल सारे चीज को आपको बैठा के ही करना पड़ेगा, अन्यथा आपका समाज बहुत तकलीफ वाली बात है। आपको देख रहे हैं हम, अरे जो गायिका है आपके बीच में, अपने बच्चे को लेकर के लोग गीत प्रस्तुत करेंगे। बैगा समाज संगठन बालाघाट के द्वारा आज सामाजिक समागम में हमारे छत्तीसगढ़ से कवर्धा से पधारे हमारे बैगा समाज के सभी सम्माननीय अतिथि मंडला डिंडोरी जिले से बैगा समाज के पधारे हुए सभी सम्माननीय अतिथि मंच पर विराजमान जनपद पंचायत बैयर की अध्यक्षा श्रीमती भगवती सयाम जी, जनपद उपाध्यक्ष सम्मानी छोटे भाई रंजीत बैस जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य सम्मानी महेश मकाम जी और मंच पर विराजमान बैगा समाज के सभी पधारे हुए सम्माननीय अतिथि और आज के समागम में पधारे हुए समाज के सभी माताएं बुजुर्ग एवं युवा साथियों, आज जो बुर्फी बहरा में बैगा समाज संगठन द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम एक दूसरे के दिलों को मिलाने का है। बैगा समाज का जो संगठन है, ऐसे ही सार्वजनिक कार्यक्रम से उन संगठनों में अपने आचार और विचार एक दूसरे को दिए जाते हैं, लिए जाते हैं और अपने समाज के संगठन को मजबूत करने का यह प्रयास बैगा समाज संगठन का मैं इसकी सराहना करता हूं और प्रशंसा भी करता हूं। हमारे भारत के संविधान में बैगा समाज को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। भारिया छिंदवाड़ा में, सहरिया ग्वालियर चंबल संभाग में और महाकौशल और बिंद में हमारे बैगा समाज को
विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। समाज के इसलिए दर्जा दिया गया है कि ये बहुत पिछड़े हैं, उन्हें भी आगे बढ़ा है और कुछ तो सरकारी नौकरियों की तरफ भी बढ़े हैं निश्चित तौर पे। लेकिन उस सबके बावजूद भी समाज आज बहुत पिछड़ा हुआ है। समाज के लिए बहुत सारी सुविधाएं शासन द्वारा दी गई, लेकिन मैं विशेष तौर पे यहां जितने भी हमारे बैगा समाज के हमारे माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी सम्मानीय अतिथि हैं, युवा हैं, उन सबसे मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सबके जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अपनी लड़ाई का बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, हम अपने अधिकार ले सकते हैं, और जब समाज शिक्षित होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी और शिक्षित होगी, और जो जिन समस्याओं से आज हम सब मिलकर पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो समस्याएं निश्चित तौर पर दूर होंगी। मुझे आज इस मंच के माध्यम से कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं विधायक बनने के पहले मलाजखंड नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष था, और तब मैंने एक बैगा समाज के एक ग्रेजुएट युवा को नगर पालिका में नौकरी पे रखा था, और आज बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि वो लड़का अपने दम पे आज नगर पालिका परिषद बैयर का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना था, और अभी ट्रांसफर होके उसको निवास किया गया है। तो यह समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि अगर समाज पढ़ता लिखता है और आगे बढ़ता है तो समाज के जो बाहर दूसरे लोग हैं जो उनके पीछे हैं वो बड़ी आशा भरे निगाह से भी देखते हैं, और एक प्रेरणा मिलती है हमारे समाज के युवाओं को, समाज के दूसरे लोगों को कि हम कैसे इनके तरह आगे बढ़ें। ये प्रेरणा पढ़ लिख कर अगर हम किसी अच्छे पद पे जाते हैं तो सब पूरे समाज को मिलती है। ठीक इसी तरह से मैं एक सीधी जिले में गया था, तो सीधी जिले में जब गया था मैं, मेरा दौरा राजनीतिक था, तो मैं एक लोहे सीमेंट की दुकान थी, जब मैं उससे मिला बातचीत हुई तो उसने कहा कि ये जो दुकान है और ये जो जमीन है मैंने अपने पैसे से खरीदा हूं और ये दुकान संचालित कर रहा हूं। उससे भी आगे बढ़ के सोचिए, धोनी विधानसभा क्षेत्र में उसका गांव आता है और धोनी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। उसने आगे भी बढ़ के हमको ये बताया कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को 50,000 रुपए अपने तरफ से चंदा भी देता है। हमारे बैगा समाज में ऐसे भी लोग हैं, ये पूरे समाज के लिए प्रेरणा का काम करते हैं, और ऐसे लोगों से हम सबको, समाज के सभी लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको स्थान भी देना चाहिए, उनको आना भी चाहिए ताकि दूसरे लोग उनसे प्रभावित होके उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सके, मैं ऐसा मानता हूं। सम्मानित साथियों, आप सबने मिलकर कुछ प्रमुख मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर मुझे सौंपी। इसमें प्रमुख मांग पहले नंबर पे है, शिक्षित बेरोजगार बैगा के युवक युवतियों का 8वीं 10वीं 12वीं एवं एमए उत्तीर्ण हो चुके वैकलाख सीधी भर्ती के तहत सभी विभागों में नियुक्ति दी जाए। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तो मैं विपक्ष में बैठा हूं, लेकिन जब मेरी सरकार थी मध्य प्रदेश में, जब मेरी सरकार थी तब बैगा समाज को अगर
कहीं किसी भी विभाग में अगर कोई पद रिक्त होता था तो बिना कोई विज्ञापन निकाले, बिना कोई भर्ती प्रक्रिया की अगर उसने आवेदन किया है और उसकी शैक्षणिक योग्यता उस पद के लायक है तो बिना भर्ती प्रक्रिया के उसको सीधी नौकरी दे दी जाती थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, अभी 15 सालों से इसको बदल दिया गया है। अब बैगा समाज के जितने हमारे युवक युवतियां अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं तो उनको भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और जब साल में भर्ती प्रक्रिया निकलती है, बैकलॉग की पद निकलते हैं, तब उनको भर्ती किया जाता है। एक और दूसरी बात, अब सरकार ने यह कर दिया है नियुक्ति दी जाए। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, अगर सामान्य वर्ग का भी कोई पद खाली है, शिक्षित बेरोजगारों की डीएड और बीएड शासन द्वारा निःशुल्क कराई जाए। मैं आज आप सबको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बात का प्रश्न उठाया हूं कि जैसे पहले व्यवस्था थी कि सीधी भर्ती शिक्षक के लिए अगर वो पद की अर्हता रखता था तो उसको नियुक्ति दी जाती थी, लेकिन अब बीएड डीएड करने के बाद ही शिक्षक बनाया जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपको बैहर में भूमि आवंटित निश्चित तौर पे करा दी जाएगी। मांगे तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक मांग जिसपे बहुत विशेष तौर पे करना चाहूंगा, बैगा विकास प्राधिकरण, आप सबके समाज के विकास के लिए भारत के संविधान में व्यवस्था है और केंद्र सरकार से राज्य सरकार को राशि प्राप्त होती है। केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश सरकार को राशि प्राप्त होती है उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत। बैगा विकास प्राधिकरण बना हुआ है बैहर में, उस बैगा विकास प्राधिकरण में कोई पैसा नहीं आता है, ना उसका बैगा समाज। मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे बैगा समाज के यहां सम्मानीय अतिथि, समाज को जो प्रेरणा देने वाले हैं, समाज के जो नई दिशा देने वाले लोग यहां मंच पे मौजूद हैं, आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका अपना संगठन बहुत मजबूती के साथ काम करे, और सरकार कोई भी हो, हर सरकार को जो सरकार आपको अपने फायदे के लिए के लड़ने की जरूरत है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग संगठित होइए, इसी तरह से आप संगठित होइए और अपनी इस लड़ाई को सरकार से लड़ लिए, हम आपके साथ हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो निश्चित तौर पे आपकी जो मांगे हैं, जो पहले 15 साल पहले बैगा समाज के लिए जो सुविधाएं थी, बैगा समाज के लिए बैगा विकास प्राधिकरण में जो पैसा आता था, उनके लिए जो खर्च होता था, बैगा समाज का बैगा अध्यक्ष होता था, वो सारी व्यवस्थाएं पुनः फिर से लाई जाएगी। ये मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको जोरदार तालियां। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, बार बार एक बात आती है कि बैगा समाज हमारा महाकौशल और विंध में, अगर कोई बैगा समाज का युवक युवती पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया और इन जिलों से बाहर निकलकर अगर वो जबलपुर में चला गया, अगर वो ग्वालियर में चला गया, ग्वालियर या जबलपुर में बन गया, तो वो जाति प्रमाण पत्र पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता है। इसके लिए भी हम लोग न केवल ये बैगा के साथ में, ये भूरिया भारिया और सहरिया के साथ भी, तो हम लोग इसका भी प्रयास, सरकार को दबाव बनाने का प्रयास मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप सब लोग मंच के माध्यम से रखे हैं, निश्चित तौर पर हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी भरोसे और विश्वास के साथ मैं आप सबको यहाँ छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। अर्जुन सिंह धुरे बलराम धुरकुटा जिला डिंडोरी। आप लोग जाएं, मैं बैगा समाज से निवेदन कर रहा हूँ। किसका नंबर? आप जाओ, आपका ही है ना, कृपया सुन ले। नहीं, ये भैया कहते मेरे क्या काम पे। तो सम्मान सर जी, मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि
आप हमारे बैगा समाज को जरूर दो सकते हैं। अर्जुन श्री अर्जुन जी बैगा जी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि इस समाज को आशीर्वाद स्वरूप। मैं नागा बैगा के बारे में जो है जयकारा के लिए आग्रह करता हूँ, बोलो नागा बैगिन की। और हमारे इस मंच में पधारे श्रीमान विधायक महोदय विकी जी और इस आयोजक के जो है हमारे श्री साधुराम जी और समस्त जो पदाधिकारी हैं इस कार्यक्रम के, हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारे जो मेहमान हैं श्री लंतु सिंह बद्दरिया जी और उनके साथी और मंडला से आए हुए सभी हमारे कलाकार बंधु और हमारे जनपद पंचायत बैहर के अध्यक्ष का, मैं इस नागा बैगा के जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और कभी जिंदगी में मैं इस प्रकार से जो कार्यक्रम होना है करके मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था और अचानक जो है हमारे साधुराम जी का फोन आया, मैं यहाँ पहुँचा तो सबसे पहले तो मैं अपना मतलब परिचित सभी लोग जानते हो, मोर नाम अर्जुन सिंह तो तड़िया है और मैं गांव धुरकुटा जिला डिंडोरी की रहैया हाँ, बड़ा मुश्किल से पढ़ा लिखा हूँ। हमार दाई दादा जब उस समय पढ़ेला नहीं भेजे, एक जने तुम्हार चूंदी ला काट दे इस तो उम्र जो है हमार दाई मरो मार रो है तो कोल नहीं रे चूंदी के टोड़ा है ते। तो इस प्रकार से जो है बड़ा मुश्किल से ये कार्यक्रम मतलब ये पढ़ा लिखा मैं मैट्रिक पढ़ने के बाद जैसे साहब बताए उस समय योजना था ये बैगा विकास अभिक्रम 1986 में लागू हुआ। इसमें 8 गांव को लिए थे शुरू में, हमारे 8 गांव के लिए थे 4 मतलब छिरीपड़ी ताकर कांदावानी धुरकुटा लमोठा फेटार मतलब लमोठा और रजनीसराय और ढाबा इतने को लिए। बाद में 52 गांव हुआ तो उसमें करंजिया ब्लॉक के जो है 26 गांव और बजाज ब्लॉक के 9 गांव समनापुर के जो है 17 गांव ऐसे 52 गांव को लिए थे। इसके बाद 5 जिला हुआ, 5 जिला में जो है इसका बैठक कहाँ चाड़ा में होता रहा तो उसमें हमारी बालाघाट जिला से भी जाते रहे तो बालाघाट मंडला और रहा शहडोल और बिलासपुर और ये का नाम राजनांदगांव, इतना 5 जिला जो है बैगा विकास अधिकरण घोषित कर नौकर बैठक चाड़ा में होता। अब जो है हमारे जैसे साहब बताए थे बैगा विकास अधिकरण में पैसा नहीं आवे और एक पैसा लग कहा वो जेल में खर्च कर, बहुत दुख की बात है। जबकि ये राशि जो है सब ये बैगा गांव में पुल पुलिया जो भी सामुदायिक कार्यक्रम में ही खर्च होना है, लेकिन ये अपन संगठन की कमी के कारण ये सब हो रहा है तो संगठित होना बहुत जरूरी है। और हर जगह जैसे छत्तीसगढ़ वाले ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसी प्रकार हमको देखा सीखी करके भी बढ़ना है और बालाघाट में जो आप लोग संगठित किए हैं इससे बहुत मैं खुश हूँ और बल्कि मंडला वालों को भी फोन किया था कि भाई वहाँ बैठक में जाना है तो हूं कहीं नहीं उन अलग संगठन बनाएंगे। अरे भाई ले सकते भाग ले सकते हैं और आज इस घोषित ग्राम पांच
में पावन धरा में ऐसा लग रहा है कि हेलो यही सिमटी हुई है, सातों रंगों में रंगी हुई है, ऐसा महसूस हो रही है, ऐसा महस। और हमारे जो ड्रोन कैमरा वालों से मैं निवेदन चाहूंगा कि वो जो है अपना ड्रोन चालू करके ऐसी सांस्कृतिक कार्यक्रम आज ऐसा महसूस हो रही है कि आसमान सातों रंगों से रंगकर जो है यहाँ पर प्रतीत हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये बैगर जो है वहां तक पहुंचे नहीं, अपने आप में जो है वो अपने आप को फिर महसूस कर रहा होगा। राम लभा जो बाई के वाला सीता
जो कुछ भी जो हमारे साथ सब जितने भी लोग हैं हमारे बैगा समाज के
कृपया 2 मिनट के लिए आप कार्य कर देते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ से आए हुए दादा के दादा, अरे वैसा नहीं, पहले दादा के हाथों में दीजिए, दादा देंगे, पद्म श्री अर्जुन सिंह दादा को दो पहले, उसके बाद उनके द्वारा, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ जो हमारे जिला प्रवक्ता है, जिला प्रवक्ता का नाम सुन लीजिए आप, जिला प्रवक्ता का नाम सुनेंगे श्याम सिंह गुलेरिया जी, जोरदार तालियां बजाओ, बाराघाट जिला के प्रवक्ता हैं संगठन के, वो आए और हमारे छत्तीसगढ़ के जो इस प्रकार से सभी टीम, अंकल जी सामने देखना, रुकिए देखिए सामने, लागा बैगन नाना बैगन की स्वीकार करेंगे, हमारे पास एक निशान नहीं है जो कि हम इसको प्रतिवर्ष मनाएंगे, तो हम आपको कुछ नहीं दे सक रहे हैं, तो एक निशाना है जिसको खिलाड़ी लोगों को दिया जाता है, लेकिन हम भी हमारे में भी बैगन का खून भरा हुआ है, तो हम भी तो कुछ रख सकते हैं, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया, ये बैगन ट्रॉफी हो गया, बैगन का संगठन हो गया, जो आज हमारे बुजुर्ग सम्मान समाज का पिता तुल्य के माध्यम से जिसके परम श्री का है हाथों से ले रहे हैं। इसके बाद मैं डिंडोरी टीम को जोरदार तालियां बजाए, उनकी क्रिकेट उनकी सारे चीज के लिए, मैं डिंडोरी टीम के लिए आपको गेंद और लठुड़िया दी, आप भी दादाजी के हाथों से उनको सम्मानित करें, डिंडोरी टीम जोरदार तालियां बजाते रहे। सामने देखिए अंकल, सामने देखिए, जोरदार तालियां, ताली में कभी नहीं दीजिए। दूसरा है खटिया टीम सोन साहब, है ना, बाद कहो उनको सीधा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खटिया मोचा बाग के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए उनको बैगा नाम बोलते हुए बाग बोलिए, जो खटिया जो सोन साहब बैगा जी, और लड़कियां भी आए, दो लोग आ जाए साथ में, दो लोग आ जाए, इनकी टीम को भी हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम आप फ्रंट में दिख रहे हैं, क्योंकि आप एक बैगा नागा बैगा नागा बैगन की उस गांव की मूर्ति स्थापना वहीं से शुरुआत किया है, गीता बैगा नाम लेते नहीं बनता है, जो रैमा के घर वाले आ जाए थोड़ा बैगा जा। अब काइन रिटेल नहीं तो हंसी गला में जात जाती चुकी है, तालियां बजा रहे थे अपनी। दूसरे टीम है फारम टोला, सम्मानीय दादी के लिए जोरदार तालियां बजाए लोगों ने, टीम लेकर के आया, हमारे बैगा समाज के नाम रोशन किया है। दूसरा है ग्राम पंचायत के नाम तो नहीं लूंगा अभी, दूसरा टीम है समनापुर का नाम तो टकटकी में होगा, समनापुर आया नहीं है, झगड़ा हटोला आया है, वहां का नाम मैं नहीं इसलिए नहीं ले रहा था, समनापुर का टीम जो है इसलिए नहीं आया है, 8 बजे अभी सब लोग खाना खाने के बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बैगन लोग भी हर चीज में माहिर है, कांदा जूठे तो काई नहीं गए, सरपंच पति तो बन सकते हैं, दूसरा तो न है, तो उनकी अध्यक्षता में वो हमारी बहन आज पूरे गर्मी जो भी है एक छोटी सी बच्ची हमारी बेटी नाती नतनी ने बैठकर कबूले को बैठ रहा हुई, पहली दाव सरपंच बनी और पहली हुई कुर्सी में बैठा देना, वह कवा गया हुई बेचारा, मैं कहा तो कहीं कहा, तो उस गांव के जो मैं नाम नहीं लूंगा एक मुरैना से आए और अपना ट्रॉफी सम्मानी मुरैना जी के हाथों से ले, दोनों जोरदार तालियां, देखो पैगा समाज
साथ ही हमारे बीच में एक और नया टीम है, आप जानते नहीं हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है, नाम तो लूंगा नहीं। अब देखो इस गांव से ससुराल बेटी पर उसके गांव का नाम है झुलू। झुलू कहूंगा तो हंसोगे, इसलिए परसवाड़ा कहूंगा तो अच्छा रहेगा। झुलूक से आए और बड़गांव से एक टीम आई है, कुमारी ज्योति मरावी है, वो हर समय उसके फोटो हर कार्यक्रम में दिखती है, तो वो भी आए और अपना ट्रॉफी लेके जाए झुलूक से और परसवाड़ा से। झुलूक वाले आ जाए, उत्साहित खुशी को बरकरार बनाए रखें, तालियों की गड़गड़ाहट हमेशा बनाए रखें। अब सबसे करीबी और सबसे पीछे, सबसे आगे, नाम लूंगा नहीं, वो भी हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, चेमर खेरो से अपना ट्रॉफी लेकर जाए और समाज का नाम रोशन करें। डरना नहीं है, डर गया तो मर गया, आप तो समाज के बीच में आकर के रंगारंग हर चीज में समझते रहो। और भैया ये बैगा का मंच, बैगा कलाकारों का मंच है, मोबाइल नीचे गिर गया था, मैं उस शख्स का नाम लूंगा जो भी इसका कार्यक्रम का जो अध्यक्षता किया है, उसके हाथों से आप सम्मानित दादा को दें, उसके बाद में लेकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। गोची बहरा एक आते जाए, जो भी ट्रॉफी बची है, जो भी आए हैं, सब लोग ऐसे लाइन से खड़े हो जाए, हमारे यहाँ फोटो भी हो जाएगी। हमारे बीच विशिष्ट जनपद पंचायत भैया जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि उनको हमारे अपनी पंचायत की समापन भी करना है। सारी चीज सभी को आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर प्रदान करेंगे और ट्रॉफी सभी लोगों को हो गया, जो कलाकार टीम है हो गया, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आप समयलाल झुमड़िया जी उनको भी ट्रॉफी दें। सम्मान हो जाते हैं इनके सामने, ये मुखाग्र गाते हैं, बजाते हैं, स्वयं करते हैं, इस प्रकार से हम लोग इनके हाथों से ड्राफ्टिंग करना सीखे हैं। सर उस समय चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां, जो आप हमारे समाज को पूरा दुल्हा बना दिया है, उस मेरी बहन की मैं तारीफ तो नहीं कर सकता, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं उनको समाज के सामने लाना चाहता हूँ, समाज के सामने एक मोमबत्ती स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है, वो मेरी बहन है जो आज मेरे समाज को इतना सारा की है। मैं कहूंगा नहीं मैं तो कमी हूँ, लेकिन उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि आए काफी समाज। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। मूर्ति अनावरण समारोह में उपस्थित सम्मानी बैगा समाज के सभी अतिथिगण, बैगा समाज के भाइयों एवं बहनों, हर समाज का संगठन होता है, आपका भी एक समाज का संगठन है जो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। संगठन मजबूत तब होगा जब आप लोग शिक्षित होंगे। आपकी महिलाएं शिक्षा के अभाव में चूल्हा चट्टी तक सीमित रह जाती हैं और सोचती हैं अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। जो महिला खुद अनपढ़ हो वो अपने परिवार, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकती है? जो महिला स्वयं भूखी रहती हो वो अपने परिवार को कैसे भोजन खिला सकती है?
मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा आपके समाज में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना चाहिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, आप लोग महिलाओं को आगे लाइए, क्योंकि महिला ही समाज और देश की उन्नति का आधार है। जब आपका समाज शिक्षित होगा तभी आपका संगठन मजबूत होगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपका समाज बहुत दूर दूर से आकर के प्रचार करके यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शांतिपूर्वक सहयोग किया, और जो कलाकार भाई बहनों हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छा कार्य किया। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं इस ग्राम के भक्ति भारत क्षेत्र के समिति वालों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया, और खासकर मैं हमारे केला कमेंट के साधुराम धुर्वे जी, रामलाल धुर्वे जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि ये हर समय अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरा इनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहेगा और आशीर्वाद रहा है, आगे इनके प्रमोशनों में भी आशीर्वाद इनको देती हूँ, और मैं इन ग्राम के लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि इन्हें बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और मैं तो एक समाज से नहीं हूँ फिर भी मैं आप लोगों के परिवार के जैसा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बैगा समाज से हूँ। भैया भैया जल्दी जल्दी रुको उनके सबको चलो समय हो गया, हम लोग विदाई कर दिए, इतने पब्लिक आए थे, तो मैं क्षमा चाहूंगा सर, आप भी भले चले गए हैं लेकिन कुछ लोग चले गए हैं लेकिन उतने ही समाज अभी आपके साथ में बैठा है। 31 तारीख को सुबह 7 बजे खेल मैदान क्रस्ट, ये वही वाली दौड़ है। दिवाली त्योहार है ना, बड़ा पावन अवसर है कि जब हम सब नागा बैगिन जो हमारे संस्कार, हमारे आस्था, हमारी परंपरा और हमारे जीवन के मूल आधार हैं, उनकी प्रतिमा का आज
हमारे इस छोटे से ग्राम घोड़सी बहरा मुरैना पंचायत के इस क्षेत्र में आज स्थापना का कार्यक्रम हुआ है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बैगा समाज के जिलाध्यक्ष भाई साधु सिंह जी, उनकी पूरी टीम, अभी शायद हमारी सरपंच बहन अमरलाल के परिवार से अमरलाल उपस्थित है। चुनाव के समय में आना हुआ था, घर में बैठना हुआ था, चर्चा हुई थी और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बैगा समाज के हमारे भाई अमरलाल को यहाँ के गांव के नेतृत्व करने की, गांव के विकास की जिम्मेदारी मिली है सरपंच के रूप में। तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में शोभन बगदरिया जी, फागू घुड़िया जी, चरण घुड़िया जी, कहर सिंह जी, राय सिंह घुड़िया जी, दशरथ घुड़िया जी, जोहर सिंह जी, भूखव घुड़िया जी, रामनाथ मसनिया जी, समुन घुड़िया जी, सुखू मसनिया जी और मेरे साथ आए हुए हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे संगठन के बारे में हमेशा चिंतन करने वाले भाई जुगल किशोर पांडे जी और आपके बीच में हमेशा संपर्क में रहने वाली हमारी बहन पूर्व जनपद की अध्यक्ष आदरणीय सोनाली कुशराम जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भाई श्रवण लाल अलवरे जी, मेरे साथ आए हुए भाई रामेश्वर साहू जी, भाई खान साहब, हमारे साथी राकेश सहित अन्य अतिथिगण पीछे भी उपस्थित हैं, हमारे निगम जी हैं। अगर हम देखें तो अति पिछड़ी जनजाति के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। आपने बहुत अच्छा किया कि इसमें जो विचार के लिए आपने विषय रखे कि सांस्कृतिक परंपरागत जो आपके समाज के अंदर चलने वाली रीति रिवाज है, उन परंपराओं को समाज के हमारे जो बच्चे हैं उन तक के हम कैसे पहुंचाएं, क्योंकि अगर वो परंपराएं, वो हमारे संस्कार अगर हमारे बच्चों को नहीं जाएगा, वो नहीं अगर उसको सीखेंगे जानेंगे तो फिर हमारी पहचान एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो ये